जो लिटिल फिल्म सॉन्ग है ये अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती है। बहुत ही बढ़िया है और दिल को छू लेने वाली स्टोरी है। और मुझे तो लगा मेरी स्टोरी है, मेरे डैडी जिंदा है लेकिन मैं भी जीरो से चालू किया हूँ और सेल्फ मेड मैन हूँ, तो मेरे हिसाब से मुझे भी लोग लाइक करते हैं तो फिल्म को भी लाइक करेंगे। और मैडम की भी फिल्म और मैडम का काम भी मैंने देखा बहुत अच्छा है, हीरो भी का रोल भी अच्छा है, तो ये पिक्चर भी आई थिंक जनवरी में नए साल में धमाका करेगी। एक्चुअली ट्रेलर आज लॉन्च हुआ है और काफ़ी एक्साइटमेंट हो रहा है, थोड़ी नर्वसनेस है बिकॉज 18 जनवरी को फिल्म रिलीज़ हो रही है और काफ़ी अलग तरीके की फिल्म थी क्योंकि जहाँ का बैकग्राउंड लिया है, जहाँ के लोग हैं अरुणाचल प्रदेश के, तो उस हिसाब से उस कैरेक्टर में ढलना लिटिल बिट डिफिकल्ट था, बट काफ़ी इन्जॉय किया और हमारे जो डायरेक्टर सर हैं उन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करी थी हर चीज़, हर एक कैरेक्टर को, हर एक सीन को, सो ईजिली हम लोग उस चीज़ को कर सकते। सबसे पहले तो जहाँ हमने शूट किया था अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर है, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है और वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट जब हम लोग शूट करने गए थे तो लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंस था, बट वे आर वेरी वेरी स्वीट, लाइक आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप कहीं पर अलग आए हो। उन्होंने काफ़ी अच्छे से हम लोग को सपोर्ट किया और स्पेशल वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था हम लोगों के लिए बिकॉज आप जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो वहाँ पे आपको ढलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो मेरा कैरेक्टर है वो एक स्ट्रॉन्ग लेडी का कैरेक्टर है, जो यमन अचूक है उनकी वाइफ का कैरेक्टर है, स्नेहा मेरा कैरेक्टर का नेम है, और ये एक स्ट्रॉन्ग लेडी है, किस तरीके से अपने हस्बैंड को पूरी फिल्म में उसका सपोर्ट बन के खड़ी हुई होती है और इसने जितनी भी मुश्किल आती है कभी कभी इसने उसका साथ नहीं छोड़ा। और बाकी आप जब पूरी फिल्म देखेंगे तो यू विल सल्यूट वुमन। नॉर्थ ईस्ट इंडिया से किस तरह है आपकी मेमोरी? मेरे पास तो अखे इंडिया में होर्डिंग्स है, खाली नॉर्थ इंडिया नहीं, प्लस मेरा अभी वर्ल्ड वाइड भी होर्डिंग, पाकिस्तान, बांग्लादेश, केनिया, साउथ अफ्रीका, सब जगह पे हो रहा है, तो ये फिल्म वहाँ के बेस है तो वहाँ के एरिया का भी मैं पब्लिसिटी करके देगा इनको। जैसे मैंने बताया ना कि मेरी स्टोरी भी जीरो से हीरो की है, संघर्ष से सफलता तक की है, तो वही हिसाब से मैं फिल्म से जुड़ा हूँ। प्लस मैं जितने भी नए सुपरस्टार, जितने स्टार्स उनकी पहली फिल्म करता हूँ, जो फ्यूचर में सुपरस्टार बनते हैं, तो मेरे लिए नसीब की बात है कि मैं अच्छी स्टोरी, अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छी फिल्म का एक हिस्सा हूँ और गॉड इज़ ग्रेट। रश्मि, एज अ एक्टर किससे इंस्पायर है आप, अगर कुछ बताया उस बारे में? किसी एक का नाम तो नहीं है मेरे पास बिकॉज हर एक जनरेशन में नए नए एक्टर्स आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं। अगर हम लोग 90s की बात से लेकर अभी तक की बात करें तो हर एक एक्टर में एक नई नई खूबी है, एक अलग तरीके का किरदार निकल के आता है, तो पर्सनली मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, बट हाँ मैं हर एक्टर को अच्छे से देखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि वैसा कर सके, कुछ अच्छा कर सके। इस फिल्म की पूरी जर्नी मेरे लिए बहुत खूबसूरत थी और मेरे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस था, और इसकी स्टोरी जब मुझे सर ने एक्सप्लेन करी थी तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी क्योंकि हम वुमन स्ट्रॉन्ग की बात करते हैं और कि लड़कियाँ किस तरीके की होती है, कैसी हैं, सो उसके अंदर मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लगा था। प्लस प्लेस का नाम सुनकर मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल किया था तो मुझे खूबसूरत बहुत लगा था जो भी जगह थी, और इसके गाने बहुत अच्छे हैं, सो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बस अब वेट हो रहा है रिलीज़ होने का। अगर आपके ऊपर कोई प्रोड्यूसर बायोपिक बनाना चाहेगा तो हीरो के तौर पर आप किसको देखना चाहोगे? वो तो जो फाइनेंस करेगा प्रोड्यूसर वही डिसाइड करेगा, लेकिन मेरे मेरे को मेरे पे बायोग्राफी बुक्स लिखने के लिए फिल्म के लिए ऑफर आने लगी है, लेकिन अभी तो बहुत प्री मेच्योर्ड है क्योंकि मैं अभी तो बहुत छोटा इंसान हूँ, थोड़ा सा बस आप लोग ने मीडिया ने मेरा नाम बना दिया है और ऑनेस्ट आदमी हूँ इसीलिए, लेकिन मेरे ख्याल से तो अभी बहुत टाइम है, ये चीज़ 10 साल के बाद आने वाली है क्योंकि और मुझे आगे बहुत बढ़ना है और वर्ल्ड वाइड मेरा नाम करना है। देखिए मैं जो भी बोलूँगा फिलहाल तो एक्टर की नज़र से ही बोल पाऊँगा कि
खुद को स्क्रीन पर देखना और डायरेक्टर का विजन अगर मेरे थ्रू कंप्लीट हो रहा है तो फिर मुझे लगता है कि मेरा काम हो गया। और मुझे सीरियसली अगर मुझे ऐसा लगता है कि एक्टर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो यही होती है कि डायरेक्टर के विजन को आप साकार कर दो बस। तो फिलहाल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सर को वो काम अच्छा लग रहा है बस फिलहाल। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश जैसे आपको मालूम है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक पार्ट है और वहाँ पे 8 states हैं जो नॉर्थ ईस्ट 8 बोलते हैं, है ना, 8 sisters बोलते हैं, उसमें एक अरुणाचल प्रदेश है। और ये स्टोरी जो है वहाँ का जो कैपिटल है ईटानगर में एक बंदा है जिसका नाम है युमलंग अचुंग, उसके ऊपर बेस है। जो जब छोटे से लेके छोटे में जब उसका पूरा अनाथ हो जाता है तो वो पूरा उसको फैमिली उसको संभालनी है वहाँ से लेके फिर वो कैसे बड़ा होता है, बड़ा होके जब वो अपना रोड में कंघी लिपस्टिक ये सब बेचने के लिए उसको मतलब छोटा छोटा काम करके वो बड़ा आदमी बनता है। और जब वो अपनी दुकान लगाता है रोड साइड में तो उसको टेररिस्ट लोग आके उसको लूटपाट लेते हैं। वहाँ उसको लगता है कि यार ये ऐसा क्यों है, इतने लोग हैं मार्केट में। जैसे आपने बहुत फिल्मों में देखा होगा कि वो अपना खुद एक गैंग बनाता है और फिर वो गैंग से वो उस जगह को प्रोटेक्ट करता है। तो आज वो वहाँ का मार्केट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है और आने वाले इलेक्शन में वो खड़े हो रहे हैं फॉर MLA। तो ये बहुत पावरफुल सब्जेक्ट था और रियल था, तो रियल होने के कारण हमने इसके ऊपर पिक्चर बनाई। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि एक बिल्कुल अलग स्टेट की कहानी है ये और जिस स्टेट से मैं बिलोंग नहीं करता हूँ। एक्टर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि जो वहाँ की जो परिस्थिति है वो चाहे मौसम के हिसाब से हो चाहे पॉलिटिकल जो भी सिचुएशंस हो तो उन सबको समझते हुए और स्क्रिप्ट को उसमें मिलाते हुए उसको परफॉर्म करना, तो ये चैलेंज था जिसको मतलब चूँकि हमारे पास बहुत मतलब एक सीमित चीज़ें थी तो मैंने अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया था कि भाई जो निर्देशक कहे एज इट इज़ आप करते चले जाओ और आपका काम वहाँ कंप्लीट हो जाता है। देखिए इसमें 4 गाने हैं और म्यूज़िक डायरेक्टर हैं अबूजर जी और लिरिसिस्ट हैं अराफात महमूद, जिनके गाने आपने पहले भी सुन रखे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा हिट हुआ था बारिश जो हाफ गर्लफ्रेंड मूवी का था। और जो आज गाना आपने देखा है मुरादों से वो ऐश किंग ने गाया है। तो ऐश किंग और अराफात जी का ये बोल सकते हैं कि दूसरा हिट गाना होने वाला है, बिकॉज पहला बारिश आ चुका है जिसको ऐश किंग ने गाया था और अराफात जी ने गाने लिखे थे। इसको छोड़ के सोनू निगम का एक गाना जो एक सैड सॉन्ग है, रोमांटिक सैड सॉन्ग है, एक MDKD एक ग्रुप है जो हरियाणा के रैपर्स हैं, उनका बहुत ज़बरदस्त एक आइटम सॉन्ग है, और देव नेगी और रोमी मुखर्जी का एक रोमांटिक नंबर है। तो 4 गाने हैं और खूब अच्छे प्लेजेंट हैं, लोगों से कनेक्ट करेंगे, ऑफकोर्स करेंगे गाने। देखिए आजकल के गानों में जो सबसे ज़्यादा चीज़ मिसिंग लगती है, मैं भी इसी जनरेशन का हूँ और जब भी मैं कोई गाना सुनता हूँ तो आ रहे हैं कुछ अच्छे गाने भी आ रहे हैं बट गानों से मेलोडी गायब, तो मेलोडी का बहुत ध्यान रखा गया है और सुनने में पसंद आएंगे। जो भी 90s के गाने पसंद करते हैं उनको इस फिल्म के सभी गाने बहुत अच्छे लगेंगे चाहे वो कोई सा भी नंबर हो। देखिए जैसा मैंने बताया कि ये रियल स्टोरी है और ये खुद वहाँ पे इतने पावरफुल हैं कि कोई और हिम्मत नहीं कर सकता कि वहाँ के कोई चीज़ को रोक सके। तो उनका सपोर्ट था, उनके जो कनेक्शंस थे वो ऐसे, और ये मैं आपको बताना चाहूँगा सबको कि ये पहली हिंदी बॉलीवुड फिल्म है जो टोटली कंप्लीट वहाँ शूट हुई अरुणाचल में। तो वहाँ पर हमको पूरा सपोर्ट मिला, गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिला और टूरिज़्म डिपार्टमेंट से भी मिला, तो कहीं ऐसे दिक्कत नहीं गई शूट करने। उनकी इतनी मतलब जिनका किरदार मैंने पोर्ट्रे किया है वो इतनी मतलब पॉजिटिव उनकी इमेज है वहाँ पर कि वहाँ जितने भी लोग थे आसपास मतलब गाहे बगाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोग उनकी बड़ाई करते ही करते थे। तो इससे भी पता चला कि यार उस इंसान की शख्सियत क्या है, वो आप काम करने के दौरान उस जगह पर मुझे महसूस हुई ये बात कई बार। कास्टिंग हमने ऑडिशन लिया था और जैसे मैं बार बार बताया कि जो वहाँ की मूवी है, वहाँ का रियल स्टोरी है, तो वहाँ के लुक अलग हैं और वहाँ से इधर मैच करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो हमने हेयर स्टाइलिस्ट को बुला के इनको डिफरेंट लुक दिया और
काफ़ी कोशिश की। पहले तो इनका ऑफकोर्स 50-60 लड़कियाँ आई, उनको उसमें से हमने जो बेस्ट दो दो तीन तीन पेज के डायलॉग भी ऐसी बोल दिया, तो उससे हम लोग ऑफकोर्स अट्रैक्ट हुए। देन सेकेंड पार्ट आया कि उसका लुक मैच करेगा कि नहीं, और ये पूरी पिक्चर एक हीरो बेस्ड पिक्चर है, मतलब ये स्टार्ट टू एंड ये बंदा उसमें रहेगा, तो एक बहुत बड़ा रिस्क था। तो हमने दो बार तीन बार इसको बुलाया, फिर यजू को बुलाने के बाद जब हमने फाइनली उसका लुक देखा तो एकदम मैच किया जो हमको चाहिए था। रश्मि जी का भी वैसे हुआ, क्योंकि जैसे उनकी जो इनकी वाइफ का रोल प्ले कर रही हैं, हम वहाँ दो तीन बार गए थे अरुणाचल, तो युमलंग अचुंग जी की वाइफ है मीना अचुंग, उनको हमने स्टडी किया और उनके जो लुक्स देखे। फिर एक इसमें दो कैरेक्टर हैं, एक इनकी जो वाइफ का रोल कर रही हैं और एक जो इनके गर्लफ्रेंड का रोल प्ले कर रही हैं, तो जो लुक मैच हुआ तब हमने उनको सिलेक्ट किया। रोज के साथ जो गाना है उसका जिक्र करना है। हाँ, वो उसका टाइटल है रब्बा मेरे रब्बा, और वो उसमें 90s का दिए हैं, उसमें इनके लंबे बाल हैं और डेनिम जैकेट पहने, यंग उसका दिखाए हैं। तो उसमें देव नेगी और रोमी मुखर्जी ने गाना गया है रब्बा मेरे रब्बा, ये इश्क है कैसा, बहुत यूथफुल गाना है वो, फास्ट मतलब है, डांस स्टेप्स हैं उसमें। हाँ। और पूरा वहाँ की वादियों में बाइक में घूम रहे हैं, वो जल्दी आउट होगा। आज हमारा ये गाना मुरादों से और ये जी में लॉन्च हुआ है। थैंक यू। Like I say, cinema is not all about entertainment. It does have a message, and little boy will bring, you know, like that inspirational message, I must say. Challenging instance, like director sir has mentioned, like, you know, because, you know, Arunachal is a land of rising sun. You know, even the sunset goes down very early. So to, you know, like the one shift, 12 hours to complete the one shift was actually very, you know, like very difficult. So that was the only thing, because like in Mumbai we have like, you know, like longer day, you know, like longer time to shoot. Apart from that, everything was perfect. Yeah. See, I'm playing second lead heroine, and it's a beautiful love story, very painful love story. When I entered this film, and I gave my 100% in a very small room, but I'm very proud that I am in this project. I faced it. There are so many small good moments and very emotional moments also which I have faced, and yeah, as I said before, this is my first Bollywood debut movie, so experience, it's like there is like if I start talking over here, there will be like I think 2-3 days it will take. So yeah, मतलब जितना भी मैंने experience किया बहुत अच्छा किया, सबके साथ मिलकर जो काम किया बहुत अच्छा experience था, and yes, I had a very good moment. I have 4 other movies which is coming up, jo post production mein hai. Anything project that you know like I'm associated with, it is like related to Northeast only, because Northeast, you know, there is a part of India which many people doesn't know, so we will also like to, you know, like show to the world that how beautiful is our place, and our people are very talented. And now, because the Bollywood is the one, you know, like big platform to, you know, like when it comes to tourism. So you know, like the other project is also we have shot in you know, like Shillong, Assam, Sikkim. So gradually after this will be, you know, like releasing the next picture also. Right now, no, I'm not Thank you. Thank you. Yeah.